गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ, साथ के साथ एक वेस्टिज यूजर भी हूँ। सो जो आज की जो ट्रेनिंग है वो है आपकी कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। जनरली क्या होता है कि हर कोई चाहता है सबकी स्किन अच्छी हो, ग्लो करे, क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब भी आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले क्या, आप वो आपका फेस देखता है, तो जिसकी वजह से आपको वो काफी टाइम तक याद रख पाता है। तो अगर आपका फेस अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपकी जो आपको वो काफी लंबे टाइम तक याद कर पाता है। दूसरी बात, अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो भी अगर आप फेस वाइज अच्छा दिख रहे हो तो डेफिनेटली आपके जो जॉब में जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही आज हमारी जो मीटिंग है वो स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में है। जनरली जो आजकल के एनवायरनमेंट को की वजह से जो जो स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या डाइट की वजह से जो जो प्रॉब्लम आ रही है स्किन में, तो कौन सी वो प्रॉब्लम है, उनके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आज हम इस ट्रेनिंग में सीखने वाले हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो कोई भी स्किन की जो प्रॉब्लम है वो बताती है कि आपकी जो स्किन है वो कैसी है, ऑयली है, नॉर्मल है या ड्राई है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को भी कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं ना कहीं किसी को थोड़ी बहुत स्किन प्रॉब्लम जरूर होती है। तो सपोज करते हैं अगर किसी की स्किन ऑयली है, तो ऑयली स्किन क्या है, बेसिकली एक्ने प्रोन वाली स्किन उसको बोला जाता है। उस स्किन पे काफी ज्यादा एक्ने या ब्लेमिशेस वो स्किन कही जाती है। साथ के साथ अगर ड्राई स्किन है काफी ज्यादा, तो उससे क्या होगा, आपका जो फेस है वो काफी ज्यादा डल दिखेगा, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड दिखेगा, रूखा रूखा आपका फेस दिखता है, आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल रफ लगेगा। सो ऐसा नहीं है कि जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको बेनिफिट मिलेगा कि चलो मेरी तो ऑयली स्किन नहीं है, मेरे को पिंपल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ड्राई स्किन वालों के लिए भी एक डिसएडवांटेज है कि उनकी स्किन का जो टेक्सचर है वो रफ होने वाला है। सो हर टाइप की स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। सो अब आपकी जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो होती क्यों है बेसिकली, तो आपकी जो स्किन की जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बेसिकली तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक होता है आपका इंटरनल फैक्टर, सेकंड होता है एक्सटर्नल, एंड थर्ड टाइप का होता है जेनेटिक फैक्टर। डेफिनेटली जेनेटिक जो फैक्टर है वो तो सब में होता ही है, जैसे पेरेंट्स का फेस का, स्किन का जो कलर होगा, स्किन टाइप होगा, डेफिनेटली वो उस चाइल्ड के अंदर आता है। लेकिन उसके साथ, क्योंकि उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते जैसा भी है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं एक अच्छी स्किन पाने के लिए, वो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, ये वो चीजें होती है जो हमारी स्किन को बाहरी तौर पे, स्किन की जो ऊपरी लेयर है उसको किस तरह से कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटर्नल फैक्टर में जो चीजें आती हैं वो आता है क्लाइमेट, कि आप किस टाइप के क्लाइमेट में रह रहे हो, आपका जो क्लाइमेट है वो हॉट है, आप काफी गर्म एरिया में रह रहे हो, या काफी कोल्ड क्लाइमेट में आप रह रहे हो, तो सो आपकी जो स्किन है वो उस वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करती है, और आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो उसी वेदर के अकॉर्डिंग हो जाता है। सपोज अगर आप हॉट एरिया में रह रहे हो तो आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डेफिनेटली डार्क कॉम्प्लेक्शन आपका होगा, और वहीं आप अगर कोल्ड एरियाज में रह रहे हो तो आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर होगा। सो ये हुआ एक्सटर्नल फैक्टर। साथ के साथ इसमें आता है पॉल्यूशन, आप अगर पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हो, सब जैसे कि दिल्ली है, काफी ज्यादा इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आजकल बहुत चल रहा है, दिल्ली NCR का मैं देखती हूँ डेली, तो अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जो स्किन है उस पर बहुत ज्यादा हार्म इस चीज का होने वाला है। वहीं अगर आप जो पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं, पहाड़ी जो लोग रहते हैं, आप उनकी स्किन से आप अपनी स्किन को कंपेयर करके देखो, उनकी स्किन काफी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन नहीं है। उसके अलावा सन एक्सपोजर है, आप धूप में काफी ज्यादा जाते हो, या एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी स्किन को ऊपरी तौर पे, ऊपरी परत हमारी स्किन को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। अब ठीक है, हम इन चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ एक अपने लेवल पे पॉल्यूशन को कर सकते हैं कम, लेकिन फिर भी वो इतना कम नहीं कर पाते जिससे कि हमारी स्किन को कोई हार्म ना हो, ठीक है। सो अब जो हम नेक्स्ट फैक्टर है जो कि हमारी स्किन को इफेक्ट करता है वो है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या आता है, हमारा हॉर्मोन्स, क्योंकि जैसे जैसे
टीनेजर्स आपने देखा होगा, बच्चे जो 14-15 साल के बच्चे होते हैं उनके फेस पे एक्ने निकलने शुरू हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हार्मोन्स काफी ज्यादा उनमें चेंजेस आ रहा होता है. तो हार्मोन चेंजेस होने की वजह का जो इफेक्ट है वो उनकी स्किन पे दिखना शुरू हो जाते हैं, उनको एक्ने होने शुरू हो जाते हैं. तो ये क्या हुआ, इंटरनल फैक्टर, जो कि इंटरनली जो ऑर्गन्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं वो आपकी स्किन पे दिख रहा है. उसके साथ साथ आप डाइट कैसे ले रहे हो, आपका खाना कैसा है, आप ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हो या आप एक अच्छा हेल्दी डाइट ले रहे हो, तो डेफिनेटली का जो इफेक्ट है. चाहे आप अच्छा खाना खाओगे तो डेफिनेटली गुड इफेक्ट आपकी स्किन पे आने वाला है, और अगर फास्ट फूड खाओगे तो वही आपका एक्ने वाला प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी. उसके साथ साथ लैक ऑफ स्लीप, आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हो, 6 से 7 घंटे की जो प्रॉपर स्लीप होती है वो नहीं ले पा रहे हो, ज्यादा टाइम आप अपना लैपटॉप या मोबाइल या टीवी आप देख रहे हो, तो उसका भी आपकी स्किन पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. आपने देखा होगा कभी आप जैसे किसी दिन आप नहीं सो पाते हो तो मॉर्निंग में आप जब अपना फेस देखते हो तो काफी ज्यादा स्वेलिंग सी आपके फेस पे लगती है, आपकी आईज के नीचे काफी ज्यादा स्वेलिंग सी दिखेगी, आप डल सा फेस आपका दिखेगा. उसके साथ साथ अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज को, किसी बात को लेके, या वर्क आपका बहुत ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में रह रहे हो, तो उसका इफेक्ट भी आपके फेस पे दिखने वाला है. साथ के साथ मेडिकेशन, आप मेडिसिन ले रहे हो किसी चीज की, तो उनका इफेक्ट भी आपके स्किन पे डेफिनेटली दिखने वाला है. तो ये सारे हैं इंटरनल फैक्टर, आपके हार्मोन, डाइट, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस और मेडिकेशन, जो कि आपकी स्किन को काफी हद तक इफेक्ट करती है. सो अब हम इन चीजों से किस तरह से बचाएं अपनी स्किन को, वो आगे हम जानने वाले. ठीक है, सो अगर आपकी स्किन चाहे ऑयली है या ड्राई है, सो हर टाइप की स्किन के लिए जो बेसिक चीज है वो क्या करना जरूरी है कि आपकी जो स्किन के जो पोर्स हैं, आपकी स्किन हर पे जो पोर्स है उनका जो साइज है, अगर वो किसी तरह से मिनिमाइज हो जाए तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्किन के पोर्स में जो डस्ट जाती है पॉल्यूशन की वजह से, वो जाना कम हो जाएगा, और वो जाना कम हो गया तो आपकी जो स्किन पे एक्ने की प्रॉब्लम है या व्हाइट हेड, ब्लैक हेड आपकी स्किन पे बन जाते हैं वो कम हो जाएंगे. साथ के साथ अगर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी है वो मेंटेन रहे, वो प्रॉपर रहे, तो उससे भी आपकी स्किन पे एक अच्छा लुक आने वाला है. तो हमें दो काम करने हैं, एक तो अपनी स्किन के जो पोर्स हैं उनके साइज को किसी तरह से मिनिमाइज करें, और साथ के साथ अपनी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करें. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं स्किन कंसर्न्स. तो जो स्किन की जो प्रॉब्लम है बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, फर्स्ट है जैसे ब्लैमिश और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है. ब्लैमिश बेसिकली क्या होता है कि आपकी स्किन पे कोई भी मार्क स्पॉट वगैरह आ जाते हैं. पिगमेंटेशन में आपकी जो स्किन का जो कलर है वो अनइवन टोन हो जाता है, कहीं से आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, कहीं पे ब्राइट होता है, तो वो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है. डिहाइड्रेटेड अगर आपकी स्किन है, काफी ज्यादा रूखी आपकी स्किन है, डल स्किन है, आपकी स्किन पर ब्लैक हेयर्स हो रहे हैं, डेड स्किन है या एजिंग स्किन है, तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये कहीं ना कहीं आपकी स्किन इश्यूज में आते हैं, स्किन प्रॉब्लम में आते हैं, स्किन कंसर्न में आते हैं. तो हमें इन चीजों को पूरा ध्यान से हमें अपने स्किन फोकस करना है, देखना है अपने फेस को, ताकि हमारी जो स्किन है वो अच्छी बनी रहे. सो फर्स्ट जो कंसर्न है स्किन का वो है ब्लैमिश एंड पिगमेंटेशन. ब्लैमिश एक ओवरऑल टर्म है जो कि स्किन के ऊपर जितने भी टाइप के मार्क्स बन जाते हैं उनको लेके है. ठीक है, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन होती है आपकी अनइवन स्किन टोन. मानिए कहीं पे आपका स्किन का कलर काफी ज्यादा डार्क हो रखा है, काला काला सा हो रहा है लिप्स के पास या आईज के पास, कहीं से ब्राइट है, तो क्या होता है उससे फेस काफी गंदा सा दिखता है. तो ये ब्लैमिश और पिगमेंटेशन एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है स्किन के लिए. अब यहाँ पे बात आती है हमें ब्लैमिशेस क्यों हो रहा है, हमारी स्किन में पिगमेंटेशन क्यों हो रहा है. सो पिगमेंटेशन यानी अनइवन स्किन टोन क्यों हो रही है. सो ये होती है आपकी स्किन जो है वो एक मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है वो सीक्रेट करती है हर किसी की स्किन. अब क्या होता है किसी की स्किन ज्यादा सीक्रेट करती है वो मेलेनिन, किसी की कम करती है. तो जहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इस मेलेनिन पिगमेंट का उनकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होने लगता है, और जहाँ पे मेलेनिन कम प्रोड्यूस होगा आपकी स्किन के द्वारा वहां पे उसका स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है, कलर है, वो थोड़ा फेयर रहेगा, इतना डार्क नहीं होगा. सो पिगमेंटेशन आपके मेलेनिन के प्रोडक्शन की वजह से होती है. वहीं जो ब्लैमिशेस होती है वो आपके जो ग्लैंड्स होती है ऑयल
अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन ऑयल का कर देती हैं, सो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी स्किन में एक्ने की प्रॉब्लम आएगी. क्यों? क्योंकि जैसे जितना ज्यादा ऑयल आपकी स्किन से निकलेगा, उस पे डस्ट आके लगेगी, एनवायरमेंट से जितना बैक्टीरिया है और साथ के साथ आपकी स्किन की जो डेड सेल्स हैं, वो तीनों कंबाइन होके आपके स्किन के पोर्स में एंटर कर देती हैं और आपके पोर्स को बिल्कुल वो क्लॉग कर देती हैं. और उससे उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा आपको पिंपल्स होंगे, आपको पशल्स होंगे, फुंसियां आपको निकलेंगी, ब्लैक हेड्स आपके फेस पे होने लगेंगे, व्हाइट हेड्स, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको आने वाली है. ठीक है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो और सिम्टम्स क्या है आपकी स्किन के. अगर स्पॉट है तो भी वो एक स्किन रिलेटेड इश्यू है, डिस्कलरेशन है, अनइवन स्किन टोन आपको आ रही है, और स्किन पे कोई भी मार्क है वो भी आपका एक स्किन कंसर्न है. सो अब बात आती है हम इन स्किन प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ ब्लैमिश. ब्लैमिश से हम कैसे बच सकते हैं. सबसे पहला है अवॉइड एक्सपोजर टू द सन. आप कोशिश करो आप धूप में कम जाओ. अगर आपको जाना भी है तो प्रॉपरली अपना फेस को कवर करो, अपनी आईज को अच्छे से प्रोटेक्ट करके आप जाओ. उसके अलावा अपने स्किन को बार बार टच करना जो है वो उसको अवॉइड करो. कुछ की आदत होती है बार बार अपने फेस पे लगाने की, तो उसको अवॉइड करना है. क्योंकि क्या होता है, जब बाहर हम जाते हैं तो हमारे हाथ में भी काफी ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और उनको अगर हम बार बार अपने स्किन पे लगाते हैं तो वो बैक्टीरिया इजिली हमारे फेस की स्किन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो स्किन है उसके ऊपर एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. सो हमें एक तो सन एक्सपोजर से बचना है, दूसरा अपनी स्किन को बार बार टच करने से बचना है. उसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं जो कि विटामिन सी से भरपूर हो, जिनमें विटामिन सी काफी ज्यादा हो, जिनके अंदर एंटी इंफ्लामेशन की प्रॉपर्टी हो, आपकी जब आप स्किन पे लगाएं तो आपको जलन ना हो. उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है जो, यानी कि आपको कोई भी तो ये चीजें अगर आपके प्रोडक्ट्स के अंदर होंगी तो डेफिनेटली आपको इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला है. ठीक है, सो यहाँ पे आपकी ब्लैमिशेस को ठीक करने के लिए, पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अश्योर का, अश्योर नेचुरल सनस्क्रीन SPF 40+. ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, इसमें जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो आप अपने फेस पे आप इस SPF सनस्क्रीन को आप अप्लाई कर सकते हो आधा घंटा पहले, क्योंकि उससे क्या होगा आपकी स्किन जो है उस सनस्क्रीन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है. सो यहाँ पे जो अश्योर नेचुरल SPF 40 है, ये एक वीगन प्रोडक्ट है. वीगन मीन्स ये इसके अंदर सिर्फ प्लांट्स के प्रोडक्ट्स इसमें यूज किए गए हैं, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट इसमें यूज नहीं किया गया है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट इसमें यूज किए गए हैं. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा सूथ करते हैं, काफी ज्यादा रिलैक्स आपको फील कराते हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड ये करते हैं, और आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट ये करेंगे. उसके अलावा जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हो अपनी स्किन पे तो बिल्कुल आपको चिपचिपा बिल्कुल नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, नॉन ग्रीसी है, आपको बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं लगेगी. जैसे जनरली आप लैक्मे की या दूसरी सनस्क्रीन लगाते हो तो काफी ज्यादा ऑयल सा उसमें से निकलता है, तो उससे चेहरा और ज्यादा गंदा सा दिखता है, और ज्यादा डर्ट जो है आपकी स्किन पे जाके अट्रैक्ट होती है. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, नॉन ग्रीसी इसका नेचर है. उसके साथ साथ ये क्या करेगा, आपकी स्किन को हार्मफुल जो सन रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है, उनसे ये प्रोटेक्ट करेगा. क्योंकि उन्हीं की वजह से क्या होता है, आपकी स्किन में टैनिंग आने लगती है, काला काला आपका स्किन टेक्सचर होने लगता है, और सनबर्न आपको होता है. तो SPF सनस्क्रीन 40+ बेस्ट प्रोडक्ट है पिगमेंटेशन से बचाने के लिए, ब्लैमिश से बचाने के लिए. उसके साथ साथ इसकी और भी कुछ क्वालिटीज हैं, वो हैं कि ये अगर आप इस सनस्क्रीन को लगाते हो तो आपके जो स्किन पे जो प्री मैच्योर एजिंग है, प्री मैच्योर एजिंग क्या होता है बेसिकली, कि एज से पहले आपकी स्किन पे क्या होता है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं. आपकी एज उतनी है नहीं, लेकिन आपकी स्किन की वजह से आप ऐसे लगते हो कि पता नहीं आपकी कितनी एज है. तो किस वजह से, क्योंकि आपकी स्किन पे कुछ रिंकल्स आ रहे हैं, एजिंग साइन कुछ दिख रहे हैं. तो ये क्या करता है, उन एजिंग साइन को भी कम करता है. ठीक है, और आपकी स्किन जो है उसको डैमेज होने से काफी हद तक ये प्रोटेक्ट करता है. इस अगर हम बात करें इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके अंदर है मार्शमेलो और सेकंड है ओले. ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा शाइन फ्री फिनिश आपकी स्किन को ये देते हैं. आप जैसे ही अप्लाई करते हो काफी ज्यादा शाइन करने लगती है आपकी स्किन जो है. सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है अश्योर का वो है
अश्योर नेचुरल लाइटनिंग एसपीएफ 15। जैसे अभी हमने एसपीएफ 40 की बात करी, एसपीएफ यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो 40 टाइम्स आपकी स्किन को कवर करते हैं, थोड़ा लाइट है, जिनको तो है पसंद नहीं है, यहाँ पे एक लाइट एसपीएफ भी है, तो यहाँ एसपीएफ 15 ये आपकी स्किन को 50 टाइम्स जो है कवर करता है। तो अश्योर नेचुरल लाइटनिंग एसपीएफ क्रीम, ये क्या है, आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि जो कलर है आपकी स्किन का वो काफी ज्यादा कहीं से डार्क कहीं से लाइट इस तरह का हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है, मेलेनिन की वजह से, जो कि आपकी स्किन बनाती है, ज्यादा मेलेनिन बना रही है जिसकी वजह से आपका फेस का कलर डार्क हो रहा है। तो ये डायरेक्टली अटैक करता है उस पिगमेंट पे, मेलेनिन पे, ये हमारी स्किन के अंदर मेलेनिन के प्रोडक्शन को रोकता है, काफी जो ज्यादा प्रोडक्शन है उसको रोकता है, जिसकी वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, जो कलर है फेस का, वो डार्क नहीं हो पाता, फेयर कलर बना रहता है। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन में हाइड्रेशन भी बढ़ाता है काफी ज्यादा, आपके स्किन के स्ट्रक्चर को अच्छे से रिस्टोर करता है, और जो एजिंग के साइन है उनको ये काफी हद तक रोकता है आपकी स्किन के। इसके अंदर बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके अंदर है पैशन फ्रूट, साथ के साथ विटामिन सी जो कि भरपूर होता है एंटीऑक्सीडेंट से, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हमारी स्किन पे जो डेड सेल्स हैं उनको बनने से ये रोकते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छे इसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं जो कि हमारे स्किन को यूथफुल बनाने में, रेडिएंट लुक देने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एसपीएफ सनस्क्रीन लाइट क्रीम एसपीएफ 15। अब जो सेकंड जो इश्यू आता है हमारी स्किन का, वो आता है डल एंड डिहाइड्रेटेड स्किन। अभी हमने फर्स्ट जो इश्यू कंसर्न था स्किन का वो था हमारा ब्लेमिश और पिगमेंटेशन, सेकंड है हमारा डल एंड डिहाइड्रेटेड। अब क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारी जो स्किन की जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती है वो ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो उनका काफी कम हो जाता है एज बढ़ने के साथ साथ। तो जैसे ही ऑयल का प्रोडक्शन कम हो गया तो उससे क्या हुआ, हमारी स्किन पे जो स्किन की जो परत है वो डेड स्किन बननी शुरू हो जाती है। कि आप देखते हो ना, जब आप ऑयल लगाते हो अपनी स्किन पे तो काफी ज्यादा शाइन सा वो करता है, लेकिन वहीं अगर ऑयल ना हो तो वो रफ सी दिखती है, काफी ऐसे लगती है कि कितनी एजिंग कितनी एज जैसी स्किन ये दिखती है। तो जैसे ही ऑयल का प्रोडक्शन कम हो गया तो स्किन हमारे फेस पे क्या होगा, डेड स्किन बननी शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो डेड स्किन बननी शुरू हो गई आपके फेस पे तो क्या होगा, आपका जो फेस है वो काफी ज्यादा डल दिखता है, काफी ज्यादा डिहाइड्रेटेड दिखता है। जैसे डिहाइड्रेटेड मीन्स जैसे आपको काफी ज्यादा प्यास लग रही होती है ना, तो आपके लिप्स बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, तो इसी तरह से आपकी जो स्किन है पूरा फेस है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है। सो अब इनसे कैसे बचा जाए, डिहाइड्रेटेड स्किन को किस तरह से हम हाइड्रेटेड स्किन में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे है हमारा अश्योर नेचुरल डे क्रीम। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी स्किन को काफी अंदर तक हाइड्रेटेड ये करता है और एक नेचुरल लुक ये देता है। सो लाइट वेट है, फास्ट एब्जॉर्बिंग है, इजीली आपकी स्किन बहुत ही जल्दी से ये एब्जॉर्ब कर जाता है, ऐसा नहीं है काफी टाइम ये लेता है, आप जैसे ही अप्लाई करते हो थोड़ी देर में ही पूरी अंदर तक ये एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन। और इसके अंदर जो अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूं वो है अमेज़ोनियम मुरमुरु बटर एक्सट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, हमारी स्किन को काफी ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन है बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, सॉफ्ट और रेडिएंट लुक ये आपकी स्किन को देता है। उसके साथ साथ हम आप एक स्लीपिंग मास्क भी है इसका, वो हम यूज कर सकते हैं। स्लीपिंग मास्क क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी हम रात को सोते हैं तो हमारी जो स्किन वो रिपेयर में होती है, हमारी स्किन हमारी जो डेड स्किन है उसको काफी रिपेयर वो कर रही होती है। तो उसके साथ साथ अगर हम कहीं ना कहीं कोई एक स्लीपिंग मास्क अप्लाई करते हैं तो एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारी स्किन को मिलने लगता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे है अश्योर का नेचुरल स्लीपिंग मास्क, जिसके अंदर अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूं वो है सीवेड। जो सीवेड है ये एक ऐसा ऐसी टाइप की वेड्स हैं, प्लांट्स हैं जो कि ज्यादातर कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, समुद्री एरिया में पाई जाती हैं, उस टाइप के प्लांट्स होते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में क्या है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है,
तो इस प्लांट के अंदर भी काफी ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो जब मॉइस्चर इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये डेफिनेटली क्या करेगा, हमारे स्किन को भी मॉइस्चराइज करेगा, बिल्कुल उसको हाइड्रेटेड ये बनाता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये हमारे स्किन को रेडिएंट लुक देता है, यूथफुल लुक देता है, और हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, सूद करता है। और साथ के साथ इसका जो एक अच्छा और भी अच्छा पॉइंट है वो है कि हमारी स्किन की जो सेंसिटिविटी है उसको ये बहुत हद तक कम करता है, यानी आपकी स्किन पे रैशेज होने लगते हैं, जलन होने लगती है, यानी आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो सेंसिटिविटी को ये बहुत हद तक कम करता है स्लीपिंग मास्क जो है। थर्ड जो कंसर्न है हमारी स्किन का वो होता है ब्लैक हेड्स और डेड स्किन। अब ब्लैक हेड्स कैसे बनते हैं, हमारी स्किन ऑयल सीक्रेट करेगी, ऑयल निकलेगा तो क्या होगा, ऑयल के साथ डस्ट है एयर से वो आके हमारे फेस पे लगेगी, बैक्टीरिया है वो आके लगेंगे, तो वो क्या करते हैं हमारी स्किन के पोर्स में आके इकट्ठे हो जाते हैं और उन पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लैक हेड की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब ये हो क्यों रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, आपके अगर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से ऑयल जो है वो ज्यादा उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो एक्ने की प्रॉब्लम भी ज्यादा बढ़ रही है उसकी। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है ब्लैक हेड्स का, कि आपकी जो स्किन है फेस की उस पे जो डेड स्किन बनी हुई है अगर उसको नहीं रिमूव करते तो क्या होता है वो स्किन आपके पोर्स में ही वापस से बैठने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स फॉर्म होते हैं। तो ये रीजन है ब्लैक हेड बनने का। तो आप देख सकते हो, आप खुद भी अगर आप अपनी नोज पे अपने हाथ फिंगर को टच करके देखोगे तो आपको कुछ रफ सा स्किन वहां से लगेगा, आपकी चिन पे और आपकी नोज पे, तो अगर आपको रफ सा कुछ लग रहा है तो डेफिनेटली वो वहां पे या तो ब्लैक हेड्स है या व्हाइट हेड्स है। जो आप एक बार करके भी देख सकते हैं कि देखने में तो सबको ऐसे लग रहा होगा नहीं मेरी स्किन तो बहुत अच्छी है, नहीं मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप देखोगे तब आपको पता लगेगा। ब्लैक हेड्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा पेनफुल नहीं होते, आपको दर्द नहीं होता, लेकिन वही जो पिंपल है, पिंपल कब बनता है जब उन ब्लैक हेड्स के साथ साथ बैक्टीरिया भी आ जाता है आपके स्किन के पोर्स में, तो जब वो बैक्टीरिया आ गया तो क्या हुआ आपकी स्किन में पिंपल होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से आपको पेन भी होगा, आपकी स्किन रेड रेड भी होनी शुरू हो जाएगी और काफी ज्यादा दर्द आपकी स्किन में, आपको इन्फ्लामेशन जलन सी आपको होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे ब्लैक हेड्स की वजह से, पिंपल की वजह से आपको ये प्रॉब्लम फिर फेस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे डेड स्किन को किस तरह से रिमूव किया जाए आपके फेस से, उसका क्या सॉल्यूशन है, तो वो है अश्योर नेचुरल फेस स्क्रब। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने पर्सनली इसको यूज किया है। जब भी आप इसको यूज करते हो आप देखोगे कि आप बिल्कुल रियल यानी नेचुरल पपाया का आप यूज कर रहे हो फेस पे, बिल्कुल पपाया जैसी स्मेल है, कोई केमिकल नहीं है, हार्श केमिकल इसके अंदर, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये जो अश्योर नेचुरल फेस स्क्रब है। इसके अंदर पपाया है और सेकेंड इसका इंग्रेडिएंट होता है अगर, उसमें छोटे छोटे बीड्स होते हैं क्योंकि डेड स्किन को रिमूव करते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी जो स्मेल है बहुत ही अच्छी, इसकी खुशबू है और वर्क बहुत अच्छे से करती है, बहुत ही अच्छा एक इवन स्किन हमें देती है आफ्टर जब हम स्क्रब करके फेस वॉश करते हैं, तो आप अपने हाथ को जब फेस पे लगाते हो तो आपकी स्किन जो है काफी ज्यादा स्मूथ आपको फील होगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये जो नेचुरल फेस स्क्रब है, श्योर नेचुरल फेस स्क्रब। इसके अंदर काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को कम करते हैं, और साथ के साथ डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स किसकी वजह से बन रहे हैं, वो ब्लैक हेड्स की वजह से, और उसको स्क्रबिंग से आपने रिमूव कर दिया तो आपकी स्किन है वो कैसी होगी, काफी अच्छी शाइनी लुक वो आपको देगी। साथ के साथ ये एजिंग जो साइन होते हैं, रिंकल्स होते हैं, उनको भी काफी हद तक ये कम करता है और मॉइस्चर को ये रिटेन करता है, आपकी स्किन में मॉइस्चर बना रहता है। उसके साथ साथ ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए एक और हमारे पास है अश्योर नेचुरल चारकोल पील ऑफ मास्क। गर्ल्स को तो काफी पता ही होगा चारकोल पील ऑफ मास्क का, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ये होता है, अच्छे से काम करता है। जैसे आप इसको अप्लाई करते हो, ड्राई होने के बाद आप इसको अपनी स्किन से हटाओगे तो उस मास्क के ऊपर काफी सारे ब्लैक हेड व्हाइट हेड आके उस पर लग जाते हैं। ये जो अश्योर का नेचुरल चारकोल पील ऑफ मास्क है ये आपकी स्किन को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि आपके पोर्स के अंदर से जाके उनको साफ सफाई करता है, और जैसे वहां से डिटॉक्सिफाई हो गई आपकी स्किन तो आपकी स्किन एकदम ब्राइटन लुक आपको देती है।
इसके साथ साथ ये ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है आपकी स्किन से, डेड सेल्स को, ऑयल को, और स्किन के टोन को ये इम्प्रूव करता है, ठीक है, और डैमेज जो हमारी स्किन हो चुकी है उसको हटा के नई स्किन आने में हेल्प करता है, और हाइड्रेशन भी ये करता है साथ के साथ, ड्राई स्किन नहीं रहने देता, हाइड्रेटेड स्किन ये कर देता है। फोर्थ जो स्टेप है, फोर्थ जो कंसर्न है स्किन का, वो है एजिंग। ये एजिंग है बेसिकली, एजिंग जो है, एजिंग साइन किस लिए बनते हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपकी स्किन पे जो फैट होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जैसे वो धीरे धीरे खत्म होगा तो क्या होगा, आपकी स्किन जो है वो लूज होनी शुरू हो जाएगी, लटकनी शुरू हो जाएगी, लंप लंप जैसा हो जाएगा, तो वो होते हैं एजिंग साइन, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो एजिंग साइन, ठीक है। सो अब ये एजिंग हो किस वजह से रही है, एक तो एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है भाई एज बढ़ रही है उसकी वजह से एजिंग हो रही है, तो उसकी वजह से ये रिंकल्स की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन क्या होता है एजिंग के साथ साथ एक जो दूसरा फैक्टर है वो है इसका यूवी रेज, जो सन की जो रेज होती है हार्मफुल रेज, उनकी वजह से भी आपकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा एज्ड दिखती है। आपकी एज इतनी नहीं होती लेकिन आपकी स्किन की वजह से लोग सोचते हैं कि आप तो काफी ज्यादा एज के हो, तो वो एजिंग साइन आपकी स्किन पे दिख रहे हैं इसीलिए लोग ये समझते हैं। तो सन एक्सपोजर की वजह से आपको एजिंग साइन आ रहे हैं, आपको रिंकल्स आ रहे हैं। ये सन की जो लाइट है जैसे ही हमारे फेस पे पड़ती है तो क्या करती है, हमारी स्किन के अंदर जो एक फाइबर होता है जिसको इलास्टिन फाइबर बोलते हैं, उस फाइबर को जो है ये कम करता है, खत्म कर देता है जो यूवी रेज है सन की, जिसकी वजह से हमारी स्किन में इलास्टिसिटी नहीं बन पाती है, वो अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो पाती है, और रिजल्ट क्या होगा, वही हमारे स्किन पे एजिंग साइन आने लगेंगे, रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, झुर्रियां आनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं एजिंग साइन के, रिंकल्स आपको आ गए, डार्क स्पॉट्स बनने लगे, स्किन का टेक्सचर बिल्कुल रफ होने लगा, रफी स्किन होने लगी, कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल अलग दिख रहा है, कहीं से आपका फेस क्लियर है कहीं से डार्क है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं एजिंग के, एजिंग साइंस आप इनको बोल सकते हो। अब यहाँ पे कैसे बचा जाए एजिंग साइंस से, तो यहाँ पे वो अश्योर की डे क्रीम है जिसको आप यूज कर सकते हो एजिंग साइंस से बचने के लिए। उसके साथ साथ आप अश्योर का जो नेचुरल स्लीपिंग मास्क है वो आप अच्छे से यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा मास्क है स्लीपिंग मास्क, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके साथ साथ अब क्या है, इन मास्क से तो हम स्किन को एक एक्सटर्नल तौर पे हम उसको ठीक कर सकते हैं, अब क्या है एजिंग साइन को हमें इंटरनली भी तो ठीक करना है, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो एक्सटर्नली तो हमने बाहर से अपनी स्किन पे प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लिए, फेस पैक लगा लिया, स्क्रबिंग कर ली, SPF लगा लिया, कोई भी सनस्क्रीन हमने लगा ली, लेकिन साथ के साथ इंटरनल ऑर्गन्स को भी तो हमने रिपेयर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो कि एंटी एजिंग का काम करते हैं, जो कि आपके स्किन के एजिंग प्रोसेस को कम करते हैं। वो है, फर्स्ट है आपका गैनोडर्मा, गैनोडर्मा के जो कैप्सूल्स हैं वो आप 2 बार ले सकते हैं आफ्टर मील सुबह शाम। उसके साथ साथ एलोवेरा भी है, एलोवेरा भी आप खाने के बाद एक मॉर्निंग एक शाम ले सकते हैं। कोलाजन है, इसका आप सैशे यूज कर सकते हैं पर डे, क्योंकि 15 दिन तक आप यूज करोगे, तो आप जब आप ये चीजें भी यूज करोगे यानी कि एक्सटर्नल चीजों के साथ साथ ये इंटरनल चीजें भी यूज करोगे जो कि आपको इंटरनली तौर पे अच्छे से ठीक करेंगी, तो आपकी जो स्किन है आप रिजल्ट उस बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब स्किन के साथ साथ बॉडी वॉश भी हमारे पास है, यानी फेस की तो हमने बात कर ली, लेकिन साथ के साथ क्या है हमारी बॉडी को भी तो एक अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत है ना, ताकि एक अच्छा लुक हमारी बॉडी पे हो, तो यहाँ पे अश्योर का बॉडी वॉश भी है, काफी अच्छा है। इसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट हैं वो है साइबेरियन जिनसिंग और लाइम फ्रूट। साइबेरियन जिनसिंग जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारी स्किन पे जो एजिंग साइन आते हैं उनको ये रोकता है, स्किन की डलनेस को खत्म करता है, और स्किन को काफी ज्यादा स्मूथनिंग ये करता है। लाइम जो फ्रूट है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, ये हमारी स्किन को क्या करता है, लाइट करता है, और साथ के साथ साथ हमारी स्किन को कोई भी इन्फेक्शन आ गया उससे ये प्रोटेक्ट ये करने का काम करता है। इसके अलावा हमारी स्किन को इंटरनली और एक्सटर्नली तौर पे ठीक करने के भी कुछ सॉल्यूशन आ गए हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी स्किन पे हार्मोन स्पॉट्स बनने लगते हैं एक्ने के, तो
आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे, आप एक फेस वॉश यूज कर सकते हो, अच्छे से आपने फेस को क्लीन करो। एक माइसेलर वाटर होता है, वो क्या करता है आपकी स्किन के पोर्स के अंदर जाके उसको डीपली क्लींस करता है आपकी स्किन को। लाइटनिंग क्रीम आप अप्लाई कर सकते हो, और नोनी कैप्सूल बहुत ही अच्छे कैप्सूल है। ये ऐसे कैप्सूल है जो कि कैंसर सेल के भी प्रोडक्शन को रोकता है। तो नोनी कैप्सूल आप यूज कर सकते हो दिन में 2 बार खाने से पहले। एलोवेरा कैप्सूल आप यूज कर सकते हो, और फॉलिक और आयरन कैप्सूल आप यूज कर सकते हो हार्मोनल स्पॉट्स को खत्म करने के लिए। उसके बाद ऑयली स्किन है, डेफिनेटली आप फेस वॉश यूज करो। अशोर का बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, माइसेलर वाटर, डे क्रीम। उसके अलावा आप स्लीपिंग मास्क यूज करो, क्योंकि स्लीपिंग मास्क क्या करता है, आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। फेस पैक जो है उसको एलोवेरा कैप्सूल ये आप यूज कर सकते हो। अगर आपकी जो स्किन है उसपे पिंपल स्पॉट एंड स्कार्स है, देखो स्पॉट और स्कार्स में डिफरेंस है। स्पॉट तो जनरली जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स रह जाते हैं एक्ने के बाद, वो तो हो गए आपके स्पॉट्स। लेकिन जो स्कार्स हैं वो क्या है, आप जैसे फर्स्ट इमेज में देख सकते हो, ये स्कार्स हैं जहाँ पे पूरी स्किन आपकी रिमूव हो जाती है। एक जो स्किन का जो टेक्सचर है बिल्कुल अनइवन हो जाता है, काफी गड्ढे गड्ढे से आपकी स्किन में हो जाते हैं। तो इनको ट्रीट करने के लिए आप फेस वॉश, माइसेलर वाटर, डे क्रीम, सनस्क्रीन, मास्क, और उसके साथ साथ आप एलोवेरा कैप्सूल यूज कर सकते हो। और साथ के साथ आप प्रोटीन पाउडर आता है, इनवीगो प्रोटीन पाउडर, वो आप गर्म पानी से ले सकते हो एज योर बॉडी रिक्वायरमेंट। प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। सेंसिटिव स्किन है काफी ज्यादा आपकी, तो उसके लिए आप नीम कैप्सूल ले सकते हो। बाकी चीजें तो सेम है, फेस वॉश, नेचुरल डे क्रीम, नीम कैप्सूल आप ले सकते हो अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है। एलोवेरा कैप्सूल और साथ के साथ स्पाइरुलिना कैप्सूल आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन कैप्सूल का। स्पाइरुलिना कैप्सूल से बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये आपको देंगे। सनबर्न अगर आपको हो गया है, टैनिंग आपको हो गई है, वहां पे भी टैनिंग के लिए आप सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हो, जो कि पहले बताया था मैंने SPF 40+ है, और एक लाइट में भी SPF 15, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी अश्योर की नेचुरल हैंड एंड बॉडी क्रीम भी है हमारे पास, क्योंकि क्या होता है फेस की जो स्किन है और हमारी जो बाकी बॉडी की स्किन है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होती है, तो दोनों के लिए अलग अलग टाइप की हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप अश्योर नेचुरल हैंड एंड बॉडी क्रीम का यूज कर सकते हो। बॉडी पॉलिश का आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप बॉडी पॉलिश अप्लाई करते हो अपनी बॉडी पे, तो क्या होगा जो सन रेज है वो आपकी बॉडी पे जैसे ही आएंगी तो एकदम से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ज्यादा टाइम तक आपकी बॉडी में एंटर वो नहीं कर पाएंगी, इसकी वजह से जो आपकी जो स्किन है वो सनबर्न से बच जाएगी और टैनिंग से। आप देख सकते हो सेकेंड इमेज में यहाँ पे काफी ज्यादा टैनिंग आपकी स्किन में हो रही है, तो टैनिंग से ये आपको बॉडी पॉलिश काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। सनस्क्रीन आप लगाओ, एलोवेरा कैप्सूल आप यूज कर सकते हो। अंडर आई सर्कल, ये इसके लिए जो आपको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन में, स्किन फॉर्मूला 9 अंडर आई सीरम बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। 1 वीक के अंदर आपके जो डार्क सर्कल है उनमें बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, बहुत हद तक आपके डार्क सर्कल कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप स्पाइरुलिना ले सकते हो, जो कि इंटरनली आपको ऑर्गन्स को अच्छा करते हैं। एलोवेरा कैप्सूल, फॉलिक और आयरन कैप्सूल, बहुत ही जल्दी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। एक्जिमा अगर है आपको, और सोराइसिस है आपकी स्किन में, चकते से जैसे रेड रेड इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास है नीम सोप भी है अश्योर का, ठीक है। नीम वैसे भी आप सब जानते हो, नीम एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है, वो ट्रीट करता है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। तो नीम सोप यूज कर सकते हो, नेचुरल बॉडी हैंड क्रीम यूज कर सकते हो, डे क्रीम, स्पाइरुलिना कैप्सूल्स, एलोवेरा कैप्सूल, आंवला कैप्सूल, नीम कैप्सूल, टॉक्सी क्लीन आप यूज कर सकते हो, और डिटॉक्स फुट पैच। ये आप पैरों के नीचे डिटॉक्स फुट पैच लगाने होते हैं, और आप 5 डेज तक यूज करोगे तो आपके पैरों के थ्रू क्या है आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन आसानी से हो पाता है, आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो एक्जिमा जैसी एक गंभीर बीमारी को भी इन चीजों से आसानी से ठीक किया जा सकता है, जहाँ पे आप जाते हो अच्छे से डॉक्टर के पास, काफी सारे पैसे खर्च करते हो। तो यहाँ पे अगर आप ये प्रोडक्ट्स, ये कैप्सूल्स अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। लास्ट है आपका रिंग वॉर्म, आपके रिंग वॉर्म
जैसे खुजली के निशान जो बन जाते हैं, या खुजली आपको हो रही है, इचिंग हो रही है, तो वहां पे सोप का यूज कर सकते हो और नीम कैप्सूल आप ले सकते हो, साथ ही साथ एलोवेरा कैप्सूल। ठीक है, तो बॉडी को एक्सटर्नल तौर पे, साथ के साथ साथ इंटरनल तौर पे अगर अच्छे से ट्रीट किया जाए तो आपकी बॉडी जो है काफी अच्छी दिखेगी, अच्छा लुक आपकी स्किन का आपका रहेगा, जिससे क्या होगा वो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो ये थे आज के प्रोडक्ट। थैंक यू एवरीवन। चलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया वेस्टीज के साथ। थैंक यू। बहुत अच्छा, ओवर टू यू। मैं चाहूंगा कि सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं प्रीति जी के लिए।